दोस्तों, अजवाइन का इस्तेमाल पूरे विश्व भर में ना सिर्फ मसाले के तौर पर किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में दवाओं के रूप में भी किया जाता है। कहा जाता है कि अजवाइन में 100 प्रकार के खाने को पचाने की क्षमता होती है। कब्ज, हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब से संबंधित रोग, पेट के कीड़े, लिवर से जुड़े रोग, किडनी की बीमारी और जोड़ों के दर्द, गठिया या फिर आर्थराइटिस के लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पेट के कीड़े को मारने के लिए अजवाइन का प्रयोग आपको कैसे करना है। पेट के कीड़े को खत्म करने के लिए आपको एक चम्मच अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिला करके इसे रात में खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद, या फिर ऐसा समझ लीजिए सोने से पहले, आपको इसे चबा करके खाना है और ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। ऐसा करने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। इस नुस्खे का प्रयोग आप 2 से 3 दिन भी कर सकते हैं। दूसरी तरीके से आपको इस नुस्खे का प्रयोग कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। 1 ग्लास पानी में रात में सोने से पहले आपको 1 चम्मच अजवाइन डाल करके इसे ढक के रख देना है। सुबह उठने के बाद आपको इस पानी को छान लेना है और इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके इसे सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट बिना ब्रश किए इसे पी लेना है। इससे भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। एक और तरीका है इस नुस्खे के प्रयोग करने का, जो कि टेस्टी भी है। इसका प्रयोग कैसे करना है ये समझिए। अजवाइन को सबसे पहले आप बारीक पीस लीजिए। इसके बाद 1 चम्मच अजवाइन के पाउडर को छाछ में मिलाइए या दही में मिला करके ऊपर से थोड़ा सा काला नमक मिला करके इसे सुबह के वक्त खाली पेट ही खाइए। इससे भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की शिकायत है, जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया, आर्थराइटिस है, उन लोगों को अजवाइन के तेल से अपने जोड़ों की मालिश करनी चाहिए। इससे जोड़ों के दर्द में बड़ी ही तेजी से आराम मिलता है। अजवाइन के तेल को थोड़ा सा गर्म करके ही जोड़ों पर लगाना चाहिए, या फिर किसी कपड़े में अजवाइन को बांध लीजिए, इसकी पोटली बना लीजिए। इस कपड़े को आप गर्म करिए, इससे जोड़ों की सिकाई करिए। इससे भी जोड़ों के दर्द में बड़ी ही तेजी से राहत मिलता है। जिन लोगों के घुटने में चोट लग गई है या फिर शरीर के किसी भी जोड़ में चोट लग गई है, उनके लिए ये पोटली बहुत ही ज्यादा असरदार रहती है। इससे दर्द तुरंत चला जाता है। जिनको गठिया का रोग है, जोड़ों में बराबर दर्द रहता है, उनको रोजाना अजवाइन की चाय पीनी चाहिए। कैसे बनाएंगे चाय ये समझ लीजिए। 1 ग्लास पानी ले लीजिए। इस पानी में 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। इसके बाद इसमें 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, या फिर जिसे सूखे हुए अदरक का पाउडर भी बोलते हैं, वो भी डाल दीजिए। और फिर इस पानी को आप 5 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लीजिए। फिर इसके बाद इस पानी को छान लीजिए और इसकी चाय गर्म गर्म पीजिए। सुबह के वक्त ही आपको ऐसा करना चाहिए। इससे दिन भर जोड़ों में दर्द नहीं होगा। अगर आप इसका रोजाना सेवन करते रहेंगे तो जोड़ों के दर्द की समस्या बिल्कुल से समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है, उठने बैठने पे दिक्कत होती है, उनको अजवाइन का प्रयोग करना कैसे है ये जान लीजिए। 1 चम्मच अजवाइन को गुड़ के साथ खाने से कमर का दर्द तुरंत दूर हो जाता है। ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। जिनके कमर में दर्द रहता है वो इस नुस्खे का प्रयोग जरूर करें। इससे कमर का दर्द तुरंत गायब हो जाता है। दिन में 2 से 3 बार आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि दिन में 2 से 3 बार आप अजवाइन के साथ गुड़ खा सकते हैं। जिनको खांसी बहुत ज़्यादा आती है, सीने में बहुत बलगम बनता है, बार बार खांसी आती है, 1 चम्मच अजवाइन में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल करके इसे चबा के खा लीजिए, खांसी आना तुरंत बंद हो जाएगी। जिनके गले में बलगम बहुत ज्यादा बनता है, उन्हें भी अजवाइन रोजाना दिन में 2 बार जरूर खाना चाहिए। इससे सीने में गर्माहट मिलेगी, जिससे सीने में जमा हुआ बलगम पिघल जाएगा। जिन लोगों को पेशाब से संबंधित कोई भी परेशानी है, रुक रुक कर पेशाब आता है या बार बार पेशाब आता है, उन लोगों को अजवाइन का प्रयोग गुड़ के साथ करना चाहिए। अजवाइन को आप अच्छी तरीके से पीस लीजिए, इसमें गुड़ मिला करके इसको सान लीजिए, इसकी गोली बना लीजिए और 1-1 गोली इसकी खा सकते हैं आप। नहीं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो 1 चम्मच अजवाइन को गुड़ के साथ ज़रूर खाइए, ऊपर से गर्म पानी पीजिए। इससे भी बहुमूत्र की शिकायत या फिर पेशाब से जुड़े जितने भी रोग होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।